मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल जो हमारा विषय था वो था लोक प्रशासन का क्षेत्र। ये विषय राजनीति विज्ञान बी ऑनर्स पार्ट वन एवं एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए है। विषय लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र में को समझने से पहले उसके दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण कितने प्रकार के थे मैंने आपको बताया था। दृष्टिकोण 7 प्रकार के पाए जाते हैं, 7 टाइप्स। कौन कौन से थे? संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट कोर दृष्टिकोण, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, मनोसामाजिक दृष्टिकोण और लोक व निजी प्रशासन दृष्टिकोण। ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं जिनको समझना आवश्यक है। इसमें से हमने 5 प्रकार कर लिए थे। 5 प्रकार पहले जो 5 दृष्टिकोण है वो हमने कर लिए थे। पहला दृष्टिकोण था संकुचित दृष्टिकोण। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूँ, संकुचित दृष्टिकोण क्या था? केवल कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित था, केवल नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित था। दूसरा व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, तीनों के कार्य लिए जाते हैं। तीसरा था पोस्ट कोर दृष्टिकोण। पोस्ट कोर लूथर गुल्लिक द्वारा दिया गया था। लूथर गुल्लिक ने अंग्रेजी का 7 शब्द लेकर एक शब्द बनाया था पोस्ट कोर, POSDCORB। पी का मतलब है प्लानिंग, नियोजन करना, ओ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना या संगठित होना, एस स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना, डी डायरेक्टिंग, निर्देश देना, सी ओ एक ही वर्ड है, CO कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय स्थापित करना, आर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट प्रस्तुत करना या प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, और लास्ट है बजटिंग, बी फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। ये था पोस्ट कोर दृष्टिकोण। उसके बाद था पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। ये क्या कहता है कि लोक प्रशासन केवल प्रबंधकीय कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के सभी कार्य, इसमें चिकित्सा, समाज कल्याण, कृषि इत्यादि सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इसे ये कहना कि ये केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण है या प्रबंधकीय विषय है, ये गलत है, क्योंकि ये सरकार के सभी कार्यों को सम्मिलित करता है। उसके बाद था लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। 5वां लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण क्या कहता है? लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण को एल.डी. व्हाइट ने दिया था। एल.डी. व्हाइट ने क्या कहा था? केवल कार्यपालिका के कार्यों तक सीमित है, केवल नीतियों के क्रियान्वयन तक ही सीमित है। तो नीतियों का क्रियान्वयन कौन कर रहा था? कार्यपालिका। लेकिन ये माना जाता है कि लोक प्रशासन में जो प्रशासक है वो भी नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं और एक प्रारूप तैयार करते हैं, और इस प्रारूप के अनुसार उन नीतियों को लागू किया जाता है। तो लोक नीति दृष्टिकोण क्या कहता है कि प्रशासक द्वारा भी लोक नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है। अब नेक्स्ट, और आज का जो विषय है, पॉइंट है या दृष्टिकोण है, वो है मनोसामाजिक दृष्टिकोण। मनोसामाजिक दृष्टिकोण फ्रेडरिक्स, जिसके विद्वान हैं वो हैं फ्रेडरिक्स, पैरल हेडी, स्टॉक्स और रॉबर्ट गहल। फ्रेडरिक्स, पैरल हेडी, स्टॉक्स और रॉबर्ट गहल, ये विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता है। लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता है, बल्कि यह तो संपूर्ण मानव समाज का अनिवार्य अंग है। लोक प्रशासन क्या है? संपूर्ण मानव समाज का एक अनिवार्य अंग है। अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र कुछ प्रबंधकीय तकनीकें नहीं, केवल प्रबंधकीय तकनीकें नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव समाज है, पूरा मानव समाज है, जिसमें मानव समाज की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था तथा मानव व्यवहार इत्यादि का अध्ययन भी किया जाता है, इत्यादि के अध्ययन के क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये कहना गलत है कि लोक प्रशासन केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन संपूर्ण मानव समाज
के अध्ययन का दृष्टिकोण है। मानव समाज में जो जो हैं सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परिस्थिति, अर्थव्यवस्था, मानव व्यवहार, इन सब का अध्ययन करना भी लोक प्रशासन का कार्य है। तो लोक प्रशासन मनोसामाजिक दृष्टिकोण भी है। लोक प्रशासन क्योंकि संपूर्ण मानव समाज से संबंधित है, इसलिए इसमें मनोसामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना भी आवश्यक है। लास्ट आता है लोक व निजी प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण। लोक व निजी प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण, इन दोनों प्रशासन में, लोक व निजी दोनों प्रशासन में बहुत सारी समानताएं हैं, परंतु असमानताएं भी हैं। समानताएं तो इसलिए कि प्रशासन में जब लोक शब्द जोड़ा गया, पहले प्रशासन ही था, उसमें लोक शब्द जोड़ा गया तो लोक प्रशासन बन गया। तो समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। प्रोफेसर हेनरी फियोल, प्रोफेसर मेरी पार्कर पॉलेट और उर्विक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। वो नहीं मानते हैं, ये लोग नहीं मानते हैं कि किसी प्रकार का लोक प्रशासन या निजी प्रशासन में कोई भेद है, नहीं मानते हैं। फियोल के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में बोलना, प्रोफेसर हेनरी फियोल के अनुसार प्रशासन का जो अर्थ मैंने बताया है वह प्रशासनिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विस्तृत बना देता है। वह प्रशासनिक विज्ञान के क्षेत्र को बहुत विस्तृत बना देता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। अर्थात लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की कार्यप्रणाली, नियम तथा क्षेत्र, कार्यप्रणाली, नियम तथा क्षेत्र एक समान है। लेकिन यह माना जाता है कि लाभ, उद्देश्य, व्यापकता, दायित्व और लोकहित के आधारों पर लोक प्रशासन में निजी प्रशासन में भेद है। लोक प्रशासन एक सरकारी प्रशासन है, एक सार्वजनिक प्रशासन है, एक जनता का प्रशासन है, जबकि निजी प्रशासन में लाभ और स्वार्थ को देखा जाता है। उदाहरण के लिए एक बनिए की दुकान और एक सरकारी कार्यालय एक से नहीं हो सकते। एक बनिए की दुकान और एक सरकारी कार्यालय एक समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन लोक उपक्रमों के माध्यम से सरकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक विकास का दायित्व सरकार उठाती है। सुरक्षा हो, दायित्व हो, सामाजिक दायित्व हो, सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था हो, इसका दायित्व कौन उठा रहा है? सरकार उठाती है। सरकार के द्वारा ही कार्य संपन्न किए जाते हैं। अतः सरकार कानून एवं नीतियों का क्रियान्वयन करती है, नीतियों का निर्माण करती है, क्रियान्वयन करती है। यह सरकारी संगठन और निजी संगठनों पर एक समान लागू की जाती हैं, एक ही प्रकार से लागू होती है जो सरकार बनाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में समानताओं के साथ साथ भेद भी हैं, असमानताएं भी हैं। क्योंकि लोक प्रशासन एक सरकारी प्रशासन है, एक सरकार का प्रशासन है जो सरकार के कार्यों को संपन्न करता है, जनता की सुरक्षा, व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी लेता है, नीतियों का निर्धारण करता है, जबकि निजी प्रशासन स्वार्थ और अपने लाभ की बात करता है। केवल स्वार्थ और लाभ ही, जितना कार्य करेगा उतना उसे लाभ होगा। सरकारी प्रशासन जनता के हित में जो कार्य होंगे वो करेगा। कल हम करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति।